हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और बहुत ही अच्छा समा है साढ़े सारिआं दे लई। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करदा हाँ अते तुहाडे सारिआं दा जिहड़े मैनू अज सुन रहे ने। मैं रैवन राकेश कुमार सना मसीह टीवी तो तुहाडे सब दा स्वागत करदा हाँ सना मसीह टीवी चैनल दे उपर। और बहुत ही वड्डी खुशखबरी है अते अज मैं तुहाडे लई इक बहुत अच्छी कहानी लैके आया हाँ। वह कहानी है लूका दी अंजील उहदा 19 अध्याय और उहदे 1 वचन तो जो असीं पढ़ना शुरू करांगे तां उस जगह दे उत्ते सानूं मिलदा है एक यकी नाम दे पुरख की कहानी। और यकी असी सब जानते हैं एक टैक्स कलैक्टर एक चुंगी लैन वालों का सरदार सी अते उहदे जीवन दे विच बहुत ज़्यादा पाप सन अते रब दे प्यारे हो की होया उहदी जिंदगी अच्छी चल रही सी लेकिन उहदे मन दे विच आया मेरी जिंदगी पाप दे विच है मैं अपनी जिंदगी नूं अच्छा करना चाहुंदा हाँ। तां उस समय उसने की किया उसने प्रभु यीशु मसीह नूं वेखण दा यतन किया और यतन कि प्रभु यीशु मसीह उसे रस्ते लंघ रहे सन तो वह भज के उसने प्रभु जी यीशु जी को देखना चाहिया पर भीड़ ज़्यादा होने के कारण वह देख ना सकिया। जब प्रभु जी लंघ रहे सन तो वह दौड़ के भज के छेती दे नाल एक गुल्लर दे दरख्त दे उत्ते चढ़ गया। जो प्रभु जी उस जगह दे उत्तों गुजरे तो प्रभु जी ने अताह नज़र मारी अते यकी नूं कहा हे यकी थले उतरिया अज मैं तेरे करे रहना है। और यकी भज के उतरिया नचदा टपदा होया परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नूं उसने नमस्कार किया अते प्रभु जी दे अगे अगे अपने घर नूं चल पिया। अते घर जाके प्रभु जी ने जदों उहदे नाल वार्ता की तां रब दे प्यार उहदे मन दे विच आया कि मैं अगर ऊंझ ला के किसी तो ज़्यादा जिहड़ा है कर्जा वसूल किया है तो मैं दुगुना करके उसनूं मोड़ देवांगा। और उस तो बाद प्रभु यीशु जी ने कहा अज इस घर दे विच नजात आई है मुक्ति आई है अते अज तो यह भी परमेश्वर का पुत्र बन गया है। सो यह कहानी तो सानू सीखने की मिलता है इस तो मिलता है सब तो पहला प्रभु परमेश्वर नू अपनी जिंदगी दे विच वेखन दा यतन करिए कि प्रभु यीशु मसीह कौन है परमेश्वर कौन है जिसने संसार नू बनाया जिसने मैनू बनाया तुहानू बनाया वह परमेश्वर कौन है। जदों रब दे प्यारे हो तुसीं यह देखने का यतन करोगे तुहाडी जिंदगी परिवर्तन आ जाएगा तुहाडी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी तुहाडी जिंदगी विच एक तुहानू टीचा मिल जाएगा एक निशाना मिल जाएगा एक गोल मिल जाएगा जिदे वल तुसी वधदे चले जाना है। और दूसरा यतन किया यतन दे नाल नाल उहने काम भी किया मैं देखना है। असी चर्च तां जांदे हाँ पर यतन नहीं करते प्रार्थना नहीं करते वचन नहीं पढ़ते। सो ये वचन के द्वारा तुहानू मैं उत्साहित करना चाहुंदा हाँ अपनी जिंदगी नू अच्छे तरीके दे नाल परमेश्वर दे विच चलाइए। तुसी देखोगे जिस तरह यकी ने एक यतन किया भज के गुल्लर के बिरछे चढ़ गया उस तो पहला उहदा कद मदरा सी लेकिन कद मदरा होने के कारण वह प्रभु यीशु मसीह देख नहीं सकिया। तो तुहाडी जिंदगी विच बड़ियां हौंकड़ां परेशानियां हो सकदियां ने तुसी परमेश्वर नूं देखण तो वांझे रह गए होवोगे पर मैं गल तुहानूं कहना चाहुंदा हाँ अपने मन दियां अखां नूं खोल के देखो एक बार खोल के तां देखिए तुसी देखोगे तुहानूं साक्षात प्रभु यीशु मसीह दे दर्शन परमेश्वर की पवित्र बाणी दे विच होणगे और बाणी दे विच लिखिया है जो मंगता है उसनूं मिलता है। सो रब दे प्यारो अपनियां अखियां नूं खोलिए अखियां नूं परमेश्वर दे वल लगाइए जो तुसी अपनियां अखियां नूं परमेश्वर दे वल लगाओगे तुहाडी जिंदगी च बहुत वड्डा चमत्कार होएगा तुसी देखोगे तुहाडी जिंदगी बदल जाएगी। और जदों यकी ने प्रभु यीशु मसीह नूं प्राप्त कर लिया उन्हें अपनी जिंदगी चों पाप नूं खत्म कर दिता अते यकी प्रभु परमेश्वर दे जो मुक्ति दा रस्ता है मुक्ति स्थान है उस विच जान दा वारिस हो गया। तुसी भी उस विच जान दे वारिस हो सकते हो पर एक गल दा ध्यान रखिए यतन करिए यतन करिए यतन करिए। मैनूं आस है तुहानूं इस वचन द्वारा बहुत आशीष मिली होएगी। सो जो नीचे तुसी बटन देख रहे हो सबसक्राइब दा चैनल नूं सबसक्राइब करना ना भुलिए शेयर करना ना भुलिए और तां कि अगे भी लोग इस वीडियो देख सकन अते इस वीडियो देख के अपने जीवन नूं परिवर्तन कर सकन। साडा मोबाइल नंबर जिहड़ा नीचे चल रहा है इस मोबाइल नंबर ते तुसी कदे भी कॉल सना मसीह टीवी दी टीम नूं कर सकदे हो ताकि तुहाडे भी असी इस तरह के मैसेज जिहड़े ने रिकॉर्ड कर सकीए। सब नूं मेरे वल्लों जय मसीह।